भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाने के एएसआई को ट्रैप किया गया। एएसआई मनीष सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। परिवादी से एक मामले में एफआईआर लगाने की आवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी उमेश ओझा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जो घूसखोर है लाल घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं, एफआईआर लगाने के आवज में ये घूस मांगी गई। मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, समस्या यह है कि जिनको कानून की पालना करनी चाहिए वो कानून से खिलवाड़ करते हैं और उसके बदले में पैसा मांगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बेहद अफसोसजनक है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है पुलिस पर हर तरीके के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन जिस तरीके का ये पूरा मामला है, और ये सबसे बड़ी बात विजेंद्र, इसमें गंभीर पहलू ये भी है कि जो परिवादी है उसका ऑलरेडी जिसके साथ में मामला हुआ था उससे समझौता हो गया और सिर्फ एफआईआर लगाने की बात थी, लेकिन एफआईआर लगाने की बात पर भी जो एएसआई है मनीष सिंह, उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड की। इसको लेकर जो परिवादी है वो एसीबी के समक्ष प्रस्तुत हुआ और एसीबी ने आज पूरा ट्रैप का आयोजन किया और सत्यापन करने के बाद में रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। एसीबी की जो दो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर और जो आरोपी है उसके घर और दूसरी जगहों पर जो है सर्च कर रही है और देखना ये होगा कि सर्च में भी क्या कुछ और ऐसी गंभीर चीजें सामने आती हैं। रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।